एडल्ट्स, सो 12th क्लास एंडोस्पर्म स्टडी कर रहे हैं। एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्म की टाइप्स आज हम देखेंगे। तो एंडोस्पर्म जो उनकी जो मोड ऑफ डेवलपमेंट होता है, मोड ऑफ डेवलपमेंट का मतलब किस प्रकार से डेवलप करता है, किस प्रकार से इसके अंदर सेल डिवीजन होती है या न्यूक्लियर डिवीजन होती है, डिवीजन किस प्रकार से होती है, उसके बेस पे इसको तीन टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। तीन टाइप का एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। कौन कौन सा स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट। इनके जो डेवलपमेंट का मोड है उसके बेस के ऊपर इसको तीन टाइप में हमने डिवाइड किया है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये तीनों याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने पास कौन सा है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सेलुलर पढ़ेंगे, देन हम हेलोबियल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स न्यूक्लियर नाम आ गया तो आप यहां पर समझोगे भी न्यूक्लियस से तो रिलेटेड है, ठीक है। और मैंने कल भी आपको लास्ट लेक्चर जब था अपना, उसमें आपको एक पॉइंट बताया था, यहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। एंडोस्पर्म के अंदर क्या होती है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, मतलब न्यूक्लियस बनने के साथ साथ उसके बाद वहां पे सेल की फॉर्मेशन नहीं हो रही, सेल वहां पे सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही, पूरी सेल नहीं बन रही वहां पे। तो एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है जो कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में होती है। उससे पहले इसके दो पॉइंट है वो देख लेते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट फाउंड इन 56% ऑफ एंजियोस्पर्म। लगभग 56% एंजियोस्पर्म में स्टूडेंट्स इस प्रकार का एंडोस्पर्म का मोड ऑफ डेवलपमेंट होती है। एंडोस्पर्म की वो ये होती है कौन सी? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। दूसरा, इन 161 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म, 161 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की लगभग 161 फैमिली में इस प्रकार का एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। कौन सा एंडोस्पर्म? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कौन सा स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म 56% एंजियोस्पर्म में, और कितनी फैमिलीज के अंदर? 161 फैमिलीज के अंदर ये डिवाइड इस प्रकार के एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन मिलती है हमारे को, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर, देखिएगा स्टूडेंट्स यहां जो डायग्राम बना हुआ है, ये जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एम्ब्रियो सेक में होते हैं ये आपको पता है, PEN इसको मैंने लिखा है यहां PEN। यहां पे क्या है, इनके न्यूक्लियस की डिवीजन होने लग जाएगी, न्यूक्लियस ही था ये, डिवाइड होने लग गया, डिवाइड होकर और ज्यादा डिवाइड होगा और सेल में डिवाइड हो जाता है, मतलब सेल में सॉरी न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रही है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन साथ के साथ नहीं हो रही, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस बन रहे हैं, ये सारे के सारे एम्ब्रियो सेल के सेंट्रल पोर्शन के अंदर फ्लो करते रहते हैं। जो एम्ब्रियो सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियाई रिमेन्स फ्री इन साइटोप्लाज्म ऑफ एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं? रिमेन्स फ्री होते हैं, फ्री वहां पे फ्लो करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल क्या करते हैं? न्यूक्लियाई को पेरिफेरल रीजन की तरफ, देखो स्टूडेंट्स पेरिफेरी क्या होती है, ये सेंट्रल रीजन है, बाहर का रीजन कौन सा होता है? पेरिफेरल रीजन होता है, ठीक है। मान लो ये रीजन कौन सा है जिसका पेरिफेरल रीजन है? पेरिफेरल रीजन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेंट्रल वैक्यूल जो होता है इनको पेरिफेरी की ओर
पुश आउट करता है, उनको उनकी तरफ धकेलता है पेरिफेरल रीजन की ओर, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूक्लियस क्या है, बिल्कुल जो एम्ब्रियोसाइट की वॉल होती है, पेरिफेरी होती है, उनकी तरफ चले जाते हैं। वहां जब न्यूक्लियस चले जाते हैं तो वहां पे जब न्यूक्लियस चले जाते हैं उसके बाद क्या होती है, यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पे बनी हुई है ये सेल वॉल है, न्यूक्लियस अब बीच में आ गया, सेल वॉल की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है और ये आगे सेलुलर फॉर्म जो होती है उसकी तरफ चला जाता है। पर अभी हमने कौन सा पढ़ना है, फ्री न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में स्टूडेंट्स क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है यहाँ पे, और सेल वॉल की फॉर्मेशन यहाँ पे साथ के साथ नहीं होती, ठीक है। और उससे क्या होगा, न्यूक्लियस क्या है, एंडोस्पर्म का जो आपके एम्ब्रियो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर फ्रीली वहां पे फ्लोट कर रहे होते हैं। उसके बाद स्पिंडल विक्यूलिन को क्या करता है, उसे आउट करता है और पेरिफेरल रीजन की तरफ इनको धकेल देता है। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे सारे पेरिफेरल की ओर चले जाते हैं और यहाँ पे सेल वॉल फॉर्म होने लग जाती है, सेल बनने लग जाती है जो बाद में सेलुलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। शुरू में क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इनकी जो एंडोस्पर्म में मैंने शुरू में आपको बताया लगभग 161 फैमिलीज और नियर अबाउट द 56% एंजियोस्पर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके आप ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो इसके आप एग्जांपल्स अगर देखें, एग्जांपल्स तो सिट्रस इसका एग्जांपल हो सकता है, कैलोट्रोपिस, मालवा, ये सारे जो प्लांट हैं इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं और भी बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं। तो ये प्लांट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जिसमें इस प्रकार की डेवलपमेंट होती है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की, ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। अब यहाँ पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होती है, जिनमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म में क्या होता है, एक एंडोस्पर्म होस्टेरिया का भी डेवलपमेंट हो जाता है। एंडोस्पर्म होस्टेरिया, एंडोस्पर्म होस्टेरिया बनता है। मोस्टली जो कुकुरबिटा फैमिली होती है इनके अंदर, कुकुरबिटा उनके अंदर भी बनती है। ज्यादातर न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म होस्टेरिया जो है इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, डेवलपमेंट होती है, ये बनता है। ये चैलेंजर एंड पे भी हो सकता है आपका, और माइक्रोपाइलर और लेटरल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सेक पे भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म जो है स्टूडेंट्स क्या करता है, यहां पे जो चैलेंजर एंड के जो एंडोस्पर्म होस्टेरिया है, ये चैलेंजर एंड पे भी डेवलप हो सकता है, माइक्रोपाइलर भी हो सकता है, लेटरल पार्ट पे भी डेवलप हो सकता है। अब स्टूडेंट्स ये करता क्या है, जो एंडोस्पर्म होस्टेरिया होता है ये क्या करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स लेता है। क्या करता है, ये डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो उसके लिए क्या करता है स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स लेता है, न्यूट्रिएंट्स ये वहां से गेन करता है, ठीक है। ये मटेरियल को ऑब्जर्व करता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए सराउंडिंग में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसको आप लिख सकते हो, इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सराउंडिंग फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट्स ही अब्जॉर्ब करता है। तो स्टूडेंट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हमने अभी डिस्कस किया है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वहां पे क्या होती है स्टूडेंट्स, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, या पीईएन को आप क्या है, पीईएमसी भी मैंने आपको बताया था याद हो तो, पीईएमसी, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल,
इसमें क्या होती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, न्यूक्लियर जो साइटोप्लाज्म होता है एम्ब्रियोसेक का वहां पर फ्रीली फ्लोट करते हैं, वैक्यूल के वहां पे प्रेशर के कारण वैक्यूल उनको पेरिफेरल रीजन की तरफ कर देता है, वो सारे पेरिफेरी में चले जाते हैं, उसके बाद वहां पे सेलुलर फॉर्म में फॉर्म होने लगती है, सेलुलर सेल वॉल फॉर्मेशन होनी शुरू होती है। तो ये स्टूडेंट्स अपना न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का टॉपिक था। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे जो है सेलुलर एंडोस्पर्म, उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे हेलोबियल एंडोस्पर्म, तो सेलुलर एंडोस्पर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, अब जो नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। स्टूडेंट्स जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है वो लगभग 25% एंजियोस्पर्म्स के अंदर बनता है, एंजियोस्पर्म के अंदर फॉर्मेशन इसकी होती है, नियर अबाउट 25% एंजियोस्पर्म के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है, और लगभग इसके अंदर 72 फैमिलीज, 25% और 72 फैमिलीज के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। अब होता क्या है फ्रेंड्स, जो पीईएमसी होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल जो होता है, ये डिवाइड करने के बाद साथ साथ क्या होता है साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। ये हमने न्यूक्लियर वाला बनाया हुआ है, इसी को हम बनाते हैं सेलुलर, जैसे कि यहां से न्यूक्लियस दो में डिवाइड हुआ, यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे जैसे दो न्यूक्लियस बने यहाँ पे क्या होगा साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, सेल वॉल यहाँ पे बनने लग जाती है, जैसे इसके अंदर बहुत सारे सेल यहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई देंगे, इस प्रकार से सेल वॉल की फॉर्मेशन यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर से अब क्या हुआ यहाँ पे सेल्स बनने लग गई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रेड कलर में कर देता हूँ सेल वॉल को, यहाँ पे देखेंगे ये क्या बनने लगे यहाँ पे सेल्स बनने लग गई है। ठीक है, ये फॉर्म कौन सी है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, इनके फंक्शन हम आगे जो लेक्चर लेंगे इसी लेक्चर के आगे पार्ट में डिस्कस कर लेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सभी के सेलुलर के न्यूक्लियर के और आपका हेलोबियल एंडोस्पर्म होगा जो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ये जो इस प्रकार से क्या होगी सेल वॉल फॉर्मेशन होने लग जाती है, इसकी डिवीजन के बाद पीईएमसी की डिवीजन के साथ क्या होने लग जाता है साइटोकाइनेसिस होने लग जाता है, तो सेलुलर फॉर्म में चला जाता है, यानी यहाँ पे सारी की सारी सेल्स की वॉल होगी। ठीक है, मैं इसको सिंपली बना देता हूँ, यहाँ पे ये सेल वॉल यहाँ पे बन रही है, सभी के अंदर न्यूक्लियस है, इसको फॉर्म को क्या बोलते हैं हम सेलुलर एंडोस्पर्म बोलेंगे। इस प्रकार की जो फॉर्म बन जाएगी अब यहाँ पे सेल ही सेल, ठीक है, न्यूक्लियस जितने भी है वो सारे के सारे किसके अंदर होंगे सेल्स के अंदर होंगे, पहले उसमें क्या था न्यूक्लियर में फ्री न्यूक्लियर था, यहाँ पे क्या है सेल्स के अंदर है, इस प्रकार का जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन होती है उसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ये लगभग 25% एंजियोस्पर्म में मिलता है, और लगभग इसकी कितनी फैमिलीज के अंदर मिलता है स्टूडेंट्स, इसकी लगभग क्या है जो 72 फैमिलीज के अंदर ये मिलता है। इसके अगर स्टूडेंट्स हम एग्जांपल देखें तो कॉमन एग्जांपल इसका जो है धतूरा, आप इसका एग्जांपल याद कर सकते हो धतूरा, मेमोरिया भी होता है एग्जांपल, धतूरा आप इसका कॉमनली एग्जांपल याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये सेलुलर एंडोस्पर्म है, सेलुलर फॉर्म है एंडोस्पर्म की, जो डेवलपमेंट के बेस पे हमने बनाई हुई है, सेल वॉल जो है साथ के साथ डिवीजन पे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। ठीक है, पीएमसी है उसके बाद क्या होगा साथ के साथ जस्ट फॉलो क्या हो जाएगा साइटोकाइनेसिस यहाँ पे शुरू हो जाता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन बनने लग जाती है, सेल वॉल बनने लग जाएगी जिस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा वो अपना होगा हेलोबियल एंडोस्पर्म का। सो स्टूडेंट्स अभी हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वो टाइप्स ऑफ द एंडोस्पर्म है, उस पर डिस्कशन था,
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, एग्लोबियन हमने अभी डिस्कस किए हैं, न्यूक्लियर जो टाइप है और सेलुलर टाइप है। तो लास्ट अभी हमने जो डिस्कस किया था सेलुलर टाइप, सेलुलर टाइप में स्टूडेंट्स क्या होता है आपको बताया था अभी, कितनी फैमिलीज के अंदर होता है, कितने परसेंट या 25% नियर अबाउट 72 फैमिलीज में इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है। और ज्यादातर जो ये होता है डाइकोटिलेडंस के अंदर कंडीशन होती है, डाइकोटिलेडंस जो होते हैं उनके अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। अब फ्रेंड्स जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप, दोनों का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। मोस्टली फाउंड इन द मोनोकोटिलीडन, ज्यादातर किसके अंदर मिलता है, ये मोनोकोटिलीडन के अंदर ही मिलता है, मोनोकोटिलीडन्स। अगर एंजियोस्पर्म की बात करें, ये बहुत कम एंजियोस्पर्म के अंदर मिलता है, बहुत कम फैमिलीज के अंदर ये मिलेगा, लगभग 19% एंजियोस्पर्म के अंदर ये मिलता है, ठीक है। इसके हम बात करें 19% एंड 17 फैमिलीज के अंदर इस प्रकार की फॉर्मेशन होती है। ये तो इसकी जनरल पॉइंट से मोनोकोटिलेडन के अंदर मिलता है, इंटरमीडिएट स्टेज हो सकती है ये, या मतलब बीच का है दोनों का, या इतने परसेंट में मिलता है। अब बात है कि हेलोबियल एंडोस्पर्म होता क्या है। तो स्टूडेंट जब आपका PEN डिवाइड करता है, ठीक है, तो इन द हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मूव्स टू द चैलेंजर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ठीक है, किधर मूव कर जाता है, एम्ब्रियो सैक के जो चैलेंजर एंड है उसकी तरफ मूव कर जाता है। द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द PEN इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वॉल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल चैलेंजर सेल एंड लार्ज माइक्रोफाइबर सेल। ये जो आपका PEN है ये किधर मूव करके आ गया, पहले हम यहां पे पीछे बना लेते, ये किधर मूव करके आ गया, ये एंड कौन सा है, चैलेंजर एंड है, चैलेंजर एंड, और ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होगा, इसके अंदर डिवीजन होगी, जब इसके अंदर डिवीजन होती है तो क्या होता है, जो चैलेंजर एंड होता है ये तो स्मॉल रह जाता है, चैलेंजर एंड, और लार्ज क्या बन जाता है, माइक्रो पाइलर जो चैम्बर है, या माइक्रो पाइलर सेल बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, माइक्रो पाइलर सेल, यहां ये ही इसमें एक ही है और यहां पे दो में डिवाइड हो गया ये, और यहां पे एक वॉल की फॉर्मेशन होगी, जिसके कारण क्या हुआ, चैलेंजर जो सेल है वो तो छोटी रही, जो माइक्रो पाइलर सेल है वो बड़ी हो गई है। ये पॉइंट आपने एक तो ये देखना है, क्या हुआ, पहले तो ये PEN किधर मूव कर गया, चैलेंजर एंड की तरफ, यहां पे आके इसने डिवाइड किया, दो में डिवाइड हो गया, चैलेंजर वाली जो सेल है, चैलेंजर वाला जो पार्ट है वो स्मॉल रह गया, ठीक है, वो स्मॉल है, और माइक्रो पाइलर वाला पार्ट यहां पे बड़ा है। अब जो चैलेंजर की बात करें, चैलेंजर एंड है, वहां पे फर्दर कोई ज्यादा डिवीजन नहीं होती किसी प्रकार की, किसी प्रकार की यहां पे ज्यादा डिवीजन नहीं होती, ठीक है। तो जनरली चैलेंजर एंड नॉट डिवाइड फर्दर एंड एक्ट एज द पोस्टोरियम, पोस्टोरियम के फॉर्म में एक्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाने के लिए एक्ट करता है, ये आपको भी बताया था, पोस्टोरिया भी बताया था। अब दूसरा जो ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहां पे क्या होती है, सेल की डिवीजन शुरू हो जाती है, ये जो इसके अंदर डिवीजन हुई है माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन से फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या हो गया, यहां पे ये जो न्यूक्लियस है, यहां पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शुरू हो जाती है, कौन सी डिवीजन शुरू हो जाती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहां पे शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आपने देखा था, उसी प्रकार से प्री न्यूक्लियर डिवीजन यहां पे शुरू होगी, उसके बाद पेरिफ्री की तरफ चला जाएगा, उसके बाद यहां पे क्या होगी, जब ये पेरिफ्री पे चला जाएगा तो सेल की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। तो इधर क्या होती है, जो न्यूक्लियर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियर वाला पार्ट होता है उधर क्या होता है, जो फॉर्मेशन जो होती है इसकी, जो डिवीजन होती है फ्री न्यूक्लियर, वो ज्यादा होती है, इधर कोई
चैलेंजर पार्ट की तरफ, जो चैलेंजर पार्ट है उधर किसी प्रकार की डिवीजन नहीं होती, रेयर केसेस में मिल सकती है, बाकी ऐसी कोई डिवीजन यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बहुत ज्यादा होगी और इससे क्या होगा, सेंट्रिफ्यूगल वॉल बनेगी और यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन भी, बाद की जो कंडीशन होगी उसमें इस प्रकार की सेल की फॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है जो उसको सेलुलर फॉर्म में लेके जाती है। ये स्टूडेंट्स अपना तीन टाइप के एंडोस्पर्म थे, कौन सा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड द हेलोबियल एंडोस्पर्म। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और थोड़े बहुत स्पेशल फीचर्स के टाइप हो सकते हैं या इसके जो एंडोस्पर्म के अलग अलग फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।